चाचा गणपतराम जी उनके चरणों में लीन होते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि भाई सुरेंद्र कौशिक जी, इनका बड़ा अथाह प्यार प्रेम आदर व सम्मान क्योंकि सभी बुजुर्गों किसी भी माध्यम से सुनती हुई गंगा यमुना जमुना से पवित्र मेरी मातृशक्ति इस भारत देश के बुजुर्ग भविष्य के प्यारे बच्चों आपके सामने हम बच्चे हैं गढ़ी और बीजना। मैं तो एक बार गाटू संस्कार सिखाने की एक बहुत बड़ी तरक्की हो जाती है। मन गढ़ी को और बीजना को कोई ढाई साल को बालक दिखा दो उनको दिन खिलाने की बजाय होगा पांच उपकारों को फैले और ये बात है इंद्रों पर काम करने वाले कलाकार होते हैं हम भी साथ रहते हैं मेरे भी साथ रहते हैं जाते हैं ये हमारे चाहे छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो वो भी गुरु के समान होते हैं हमारी पर होती है ये हमारी बाह होती है। तो एक भजन के माध्यम से उस पुण्य आत्मा को उनको फेर नहीं कहा जा सकता थे वो आदमी होते हैं जिनको कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं लेकिन ये भारत देश स्वदेश है जबी पुरुष सती वीर नौजवानों के लिए संदेश जबी वीर जबी पुरुष सती वीर हिंदुस्तान में मिले भाई भूत भविष्य तो देख लिए वर्तमान में मिले ये हिंदुस्तान वो सोने की चिड़िया है जिसके लिए सारे देश नतमस्तक होते हैं। तो मेरे चाचा गणपतराम जी थे नहीं वो आज भी हैं और पीछे भी रहे हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। हाये हाये सुबह शाम जो दिल में थामे श्री गणपत राम का नाम रटे आए घड़ी में बसता सस्ता बसता वो माया का Thank you.
महान पुरुषों से कैसे मांगते हैं क्या बताया बहुत अच्छा भैया। राजूदास महाराज जी गोदबड़ा से और हमारे भाई ये इन्होंने जो भी हमें इनाम दे रहे हैं बहुत अच्छे भैया। मुझको श्यामी श्री गणपत राम का नाम रटे वो गढ़ी में बसता सस्ता रस्ता मोह माया का फंदा है। तो क्या बताया उनका कैसा खान पान पहरान दो thank you।
माई दावा बदवाना और 50 रुपए हमारे दादा गुरु धाम जीतना से कपिल जी शास्त्री आप सभी महानुभाव इनाम दे रहे हैं, आपका आशीर्वाद है। और के हाथ जोड़ के प्रश्नो बालक यो नादान से अरे अच्छे महात्मा की शान से योग साधना त्याग तपस्या करता रोज किया करता संतोषी करते सुनते रोज किया करता ये 100 रुपए सुहासना से सुरेश हवलदार हमारे नौजवान साथी और भगवान उनको ऐसे जो बनाए जीएसटी बनाए और 100 रुपए हमारे दादा गुरु धाम से मेरी युवा टीम है बीजना से बज्जू के सपुत्र वीरेंद्र ये 100 रुपए खुटाना से खड़ी और खुटाना ये है हमारे गुरु धाम यहाँ शिक्षा मिलती है। श्री कृष्ण सिंह जी तंवर साहब बड़ा मोह रखते हैं बड़ा स्नेह रखते हैं उनकी तरफ से जाते हैं ये 50 रुपए रामपुर जी स्वामी उनकी तरफ से दे जाते हैं और ये सभी आप लोग वाद्यंत्र वाले इनके लिए बहुत अच्छे अजीत जी मेरे बना दी रहे हैं इन्होंने अपना योगदान किया है बहुत अच्छे पर दूर दूर सजनो पर छत्तागढ़ प्रधान सजनो दूर दूर जाया करता ये मेरे दादा गुरु धाम से मेरे चाचा गुरु लालचंद जी उनके उनके सूत्र हैं राजवीर जी उनकी तरफ से दिल्ली से आए स्पेशल उनकी तरफ से 50 रुपए ले जाते भगवान ये लो भाई आपके संगी तो क्या बताया हाँ और सतपाल भाई भी ठीक कैसे भाई न्यू कैसे तारी चौथी पीटी इनको और ना कि जो सुनो अरे क्या बात है सतपाल आप भी हरियाणा राजस्थान की शान है भगवान आपको भी लंबी उम्र दे और ये अजीत जी ये ढोलक वादक श्री सतपाल जी पाथेड़ा से ये बाबा मूलचंद की चौथी पीढ़ी के साथ ढोलक बजा 4 पीढ़ियों से एक बार जोरदार तालियां सतपाल जी के नाम की जोर ये हरियाणा केसरी है सतपाल जी क्या बात है और 100 रुपए बजरंगी जी ने वीरेंद्र दे दिया था भाई और वैसे तो चलो कोई बात नहीं वीरेंद्र और भक्सल युवा टीम है इनका बड़ा प्यार है उनकी तरफ से 100 रुपए और दिए जाते हाथ जोड़ के दसनो होता है प्रोग्राम रहे हैं हाथ जोड़ के दसनो होता है प्रोग्राम रहे सब पुरुषों की कृपा से वृंदा सबका काम रहे जब तक सूरज चांद रहे गणपत राम राम रहे फिर काम है कभी
असली पीजड़ा मेरे दादा गुरुधाम में देखो प्रेम क्या बात है। 100 रुपया कोड़िया हलवाई बड़ा जोर की मिठाई और सब्जी पूरी हम खाई और 100 बज्जू भैया इतना मत गया बज्जू की तरफ से 100 रुपए और दिए जाते हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण हो और मेरे चाचा गणपति राम का झंडा बाबा जमुनादास का झंडा और सभी कवियों का साथ साथ ये भी है कि सभी कवियों का जो इस विधा को निभा रहे हैं मैं सभी अखाड़ों के सभी कवियों को सभी को अपनी तरफ से नमन करता हूँ। रिया का कमंड कर ये है लो हवेली तेरा लाव ब्याज तू छोड़ जाइए चेला चेली तेरा मतलब का संसार यार तू क्या चेली पर दो अक्षर का जाप बड़ा को जपने वाला जप क्या है पापी की डोर डोर को हंसने वाला किस क्या है काम क्रोध मद लोप ईर्ष्या हंसने वाला किस क्या है सारी जिंदगी रोता न कोई हंसने और वो क्या गुरु कल्पत्राम को शीश झुकाना